अगर आप या आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, खांसी जुखाम से परेशान है तो इस नुस्खे को ज़रूर उपयोग करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के हेल्थ सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे ही नुस्खे के बारे में जो कि बहुत ही असरदार और कारगर नुस्खा है, जो कि दोस्तों आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, चाहे वो कैसी भी खांसी हो, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, यह आपको हर तरह के खांसी में राहत देगा। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि खांसी इतनी ज़्यादा होने लगती है कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, और साथ ही अक्सर ज़्यादातर व्यक्तियों को जिनको ज़्यादा खांसी की समस्या होती है वह तो रात में अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। यह खांसी की समस्या रात को सोने के टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे नींद भी अच्छी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, जानते हैं इस नुस्खे को हम कैसे बनाएं। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप छोटी सी छोटी जानकारी मिस ना करें। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हमें चाहिए होगा वो है अदरक। दोस्तों, अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हमारे गले में हो रही खड़ास, बलगम आदि को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी होता है। सर्दी जुखाम खांसी में अक्सर कफ की समस्या हो जाती है, ऐसे में भी अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले हमें एक टुकड़ा अदरक का लेना होगा, जैसा आप देख रहे हैं। अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लेना होगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले से ही अदरक के टुकड़े का कद्दूकस कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हमें इस अदरक में से अदरक के जूस को निकालना है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे अदरक के जूस की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे एक और कटोरी ले ली है। फिर चाय की छलनी में अदरक को डालकर और इसमें चम्मच की सहायता से दबाकर इसमें से हमें अदरक के रस को निकाल लेना है, जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक टुकड़े अदरक के रस में 1 से 2 चम्मच अदरक का जूस मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अदरक का जूस निकाल लिया है। अब हमें इसमें जो मिलाना है वो है दोस्तों हनी, यानी कि शहद। दोस्तों, यहाँ पे आपको 1 चम्मच शहद का उपयोग करना है। मैंने यहाँ पे देसी शहद का उपयोग किया है, आप किसी अच्छे कंपनी के शहद का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, शहद हम इसमें इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि अदरक का टेस्ट कड़वा होता है, ऐसे में हमें इसे लेना मुश्किल हो जाता है। साथ ही शहद में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे खांसी जुखाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब यह नुस्खा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जानते हैं इसे हमें कैसे लेना है, कैसे इसका यूज़ करना है। अगर आप यह किसी बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसे 1/2 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं, और अगर कोई बड़े बुजुर्ग या किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप इसका 1.5 से 2 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। और दोस्तों, रात को सोने से पहले ज़रूर लें, क्योंकि यह आपको रात को बहुत ही ज़्यादा असर करेगा। साथ ही कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि आप ज़्यादा ठंडे चीज़ का सेवन ना करें और साथ ही ठंडे पानी का उपयोग ना करें। आप जब भी उपयोग करें हल्के गुनगुने पानी का ही सेवन करें।
दोस्तों यह नुस्खा 100% कारगर नुस्खा है, यह आप ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों व घर परिवार में भी शेयर करें। साथ ही आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचे। सो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।